संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने तथा अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 अक्टूबर से दस्तक अभियान की शुरुआत की जाएगी। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में आशा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य का ब्यौरा एकत्र करेंगी और उन्हें संचारी रोगों के प्रति जागरूक करेंगी। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि संचारी रोगों के बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ जलभराव रोकने के साथ लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस अभियान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसके तहत आशा कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंचकर बुखार के रोगियों के साथ खांसी व सांस लेने में परेशानी से संबंधित रोगियों के लक्षण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगी तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं को सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराना होगा। इस अभियान में COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जाएगी। शारीरिक दूरी के साथ प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए गतिविधियां संपन्न की जाएंगी। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, संचारी रोग और दस्तक अभियान शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने सभी विभागों की जो जो जिम्मेवारियां हैं वो सब उसको विस्तार से ट्रेनिंग दे दी गई है। विभाग वार माइक्रो प्लान जो है वो भी CMO साहब को सबमिट कर दिया गया है और इसको बहुत ही सीरियसनेस से और बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर रोज़ इसका रिव्यू किया जाएगा और इसमें क्योंकि इसमें अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी और पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई है और आज भी एक बैठक हुई थी सुबह, उसमें भी दिशा निर्देश दे दिए गए। सर, कोरोना काल भी चल रहा है और इसमें घर घर जाके दस्तक देना तो किस नहीं, उसमें बता दिया गया कि घर के अंदर नहीं एंटर करना, सिर्फ आपको जो है जो भी सूचना देनी है या कलेक्ट करनी है या दवाई खिलानी है बच्चों को, वो सब जो है बाहर से जो कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल है और मास्क है, दूरी बना के उसको फॉलो करते हुए करना है, सैनिटाइजर सब के साथ। पर साफ सफाई की बात है और ये करके, हाँ, साफ सफाई में जो हमारे DPRO साहब हैं उनको अलग से ब्रीफ कर दिया गया, उन्होंने आज अपना प्लान भी जारी कर दिया है और वो उस पर पूरा विशेष ध्यान दिया जाएगा।